पता है आप लोग मुझे बहुत डांटने वाले हो, कुछ लोग कहने वाले कि ये बंदा कुछ काम का नहीं है, बस छुट्टियां लेता रहता है, ऐसा वैसे। सबके सवाल के जवाब देने वाला हूँ, आई होप कि सारे कवर कर दूँ। लेकिन उससे पहले वेलकम बैक टू पीसी व्लॉग्स, कैसे हो आप सब लोग, गुड इवनिंग कह सकते हो आप, क्योंकि रात के 8:30 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसी के साथ मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ कि व्लॉग्स क्यों कंटिन्यू नहीं हो रहे और क्या क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि कल से आपको पूरे व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल भी मैं व्लॉग ही एडिट कर रहा हूँ, या मेरा रेंडरिंग हो गया, तो एक मिनट मेरे लिए रुकिए सिर्फ। ओके, ये हो गया सेव। एक तो ये बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं व्लॉग के टाइटल्स क्या दूँ, ताकि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाए और देखने के लिए और ज़्यादा ईगर हो जाए कि यार मुझे देखना है अंदर क्या है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है जब भी मैं व्लॉग सेव करता हूँ कि टाइटल क्या रखूँ इसका। My bones telling me it's right, it's so different. When you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips, it's not so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. गया फाइनली। तो सबसे पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, कंटिन्यू नहीं हो रहे थे, उसकी वजह थी छोटा सा कन्फ्यूजन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड मी, बट नाउ इट इज़ ऑल क्लियर। इसकी वजह से तो आपके पास व्लॉग्स आ रहे, और ये कन्फ्यूजन था कि जो मैंने सॉफ्टवेयर परचेस किया है वो नहीं हो रहा था यूज़फुल, मतलब उसका ट्रायल पीरियड ख़त्म हो रहा था ऐसा लगा मुझे, और 90% चांसेस वैसे थे क्योंकि उन्होंने ट्राई की दी थी मुझे कि यो यूज़ करिए आप कैसा लगता है क्या होता है। और फाइनली आज माने 23 तारीख को संडे को ये दोपहर में मुझे वो सॉफ्टवेयर की मिली है फिज़िकल फॉर्म में। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द की, बट या दिस इज़ द एक्टिवेशन कार्ड आप कह सकते हो, इसके अंदर वो सब है मटेरियल, तो मैंने वो एक्टिवेट किया है एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग विथ यू कि पूरा सॉफ्टवेयर चालू हो गया और फाइनली आई एम फ्री फ्रॉम द झंझट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो उसी की वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है मेरे लाइफ में अभी 2-4 दिनों में, मतलब पूरे लाइफ में जैसे भूकंप या टॉर्नेडो आया हो इस तरह से मेरी लाइफ चेंज होगी, मतलब क्या ही कहे अभी। तो सबसे पहले इस मंथ में मेरे ख्याल से मैंने सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के ऊपर। तो सबसे पहले तो आई वांट टू शो यू दिस माय न्यू अस्त्रा, या दिस आर माय अस्त्राज आई विल से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में परचेस करता हूँ। ये तो मुझे पसंद भी बहुत है और यूज़फुल है, ऐसे ही मैं नहीं करता, क्योंकि सॉफ्टवेयर के वजह से मैं लैपटॉप को बाहर ज़्यादा लेके नहीं जा सकता, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इसी में चलेगा, इसके अलावा एक और में चलेगा, वो बाद की बात है, मैं जब चेंज करूँगा लैपटॉप तो मैं बताऊँगा। लेकिन लैपटॉप चेंज करने के लिए मुझे 2-3 लाख खर्चा करना पड़े, शायद ये आपको झूठ लगे लेकिन दैट्स अ बिग स्टोरी। जो भी एडिटिंग फील्ड में उनको पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ ये ऑफिस यूज़ के लिए और थोड़ा सा बेसिक एडिटिंग के लिए ठीक है, लेकिन मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसके लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसी के लिए मुझे नया लैपटॉप परचेस करने पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं करने वाला हूँ मैं ड्यू टू ये जो बहुत बड़ा खर्चा है, लेकिन उसका सप्लीमेंट मेरे पास है ये। तो या आई हैव हियर न्यू अस्त्रा विथ मी, दिस इज़ रियल मी पैड 2। और ये क्यों परचेस किया मैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपना भक्ति वेदांत स्कूल तो चालू हो गया, उसके अलावा मैं और एक दो स्कूल्स में ट्राई करने वाला हूँ कि हफ्ते में 2 बार मैं वहाँ पे जाके सिखाऊँ, और वहाँ पे मैं टैब लेके वहाँ पे लैपटॉप लेके नहीं जा सकता,
उसका थोड़ा सा हार्डवेयर का इशू आ रहा है, और अगर मैंने उसको ज़्यादा हैंडलिंग में यूज़ किया तो भाई साहब ख़त्म होने वाला है ये, कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं इसके साथ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू सेव एंड इंक्रीज द लाइफ ऑफ माई लैपटॉप, तो उसी के लिए मैं लैपटॉप यहीं पे रख के मैं अभी टैब लेके जाने वाला हूँ सभी जगह पे। बाहर के काम सब टैब्स के ऊपर होंगे, लैपटॉप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग होगा, उसका लोड कम होगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी शायद 6-7 महीने और चले, और अगले साल मैं इसको परचेस करूँ। पता नहीं अगले महीने क्या होगा, लेकिन हाँ तब की तब देखी जाएंगे। लेकिन उसके लिए मैंने ये परचेस किया कि ये मैं इसको यहीं पे रखूँ और ये लेके मैं जाऊँ, तो इसका खर्चा बढ़ा, तो इसके एक्सेसरीज पे मुझे स्पेंड करना पड़ा बहुत सारा, मतलब जितने में ये आता है उसके 1/4 में मैंने उसके एक्सेसरीज परचेस किए। और हाँ, डिस्काउंट बहुत अच्छे मिला है सभी जगह पे मुझे, ऐसा नहीं कि मैंने एक फालतू खर्चा किया और उसी की वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था कि मैं करूँ क्या। बट जब कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, तो कुछ भी करो आपका कुछ नहीं चलता, उसकी चलती है। और उसी की तरह कुछ हुआ मेरे लाइफ में ऐसा कि पैसे के प्रॉब्लम उतना जितना टेंशन ले रहा था नहीं हुआ। अच्छा काम करो तो अच्छे लोग बन जाते हैं, और अच्छे लोगों के अच्छे रिलेशन के साथ बहुत बड़ा संकट भी कभी कभी कम हो जाता है, और मेरे लाइफ में वैसे ही हुआ। मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, थैंक यू आप लोगों ने मेरी मदद की, और आई एम फाइनेंशियली टेंशन फ्री लिटिल बिट मुझे टेंशन है लेकिन लिटिल बिट टेंशन फ्री। और आपसे बात करते करते आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द व्लॉग इज एडिट, कितना 5-6 मिनट में। और ये क्यों हो रहा है, 6-7 मिनट का व्लॉग 5-6 मिनट में एडिट, तो सॉफ्टवेयर भी परचेस किया है कुछ मैंने, लैपटॉप में भी चेंजेस किए हैं, और उसी की वजह से ये सब मुझे मुमकिन हो रहा है। तो ये 2-4 दिन थे जो मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाले थे, एक तो सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ा मुझे, जो ऑब्वियसली मैंने आपको तब बताया था, उसका हार्ड कॉपी आज मिली मुझे, और खर्चे बहुत सारे थे, इसको ऑर्गेनाइज करने में मेरे 2-3 दिन चले गए, तो उसी के वजह से मैंने ब्लॉग नहीं किया। लेकिन अभी कल से कंटिन्यू होने वाला है, और बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के साथ मैं आपसे मिलने वाला हूँ, तो आई होप कि आप मुझे माफ़ करोगे ब्लॉग्स ना देने के लिए, लेकिन बहुत सारा प्यार दोगे क्योंकि मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स देने वाला हूँ यहाँ से। होपफुली यार क्या करूँ, जितना ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ तो राड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार नहीं होगा। और यही इन्फॉर्मेशन के लिए ये ब्लॉग मैंने शूट किया है, कल से पूरे प्रॉपर ब्लॉग्स आने वाला है। वैसे भी 2 दिन के बाद अवनी और रोहन सर की बर्थडे पार्टी आप देखने वाले हो, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड सॉरी फॉर द डिलेज एंड डिसकंटिन्यूज एंड एवरीथिंग वट एवर आई हैव डन, सॉरी फॉर दैट अगर किसी का मन दुखा होगा उसके लिए। और एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया, फॉर व्हाट्स योर रीजन प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लविंग विद वॉचिंग पीसी व्लॉग्स। और भी कुछ शॉपिंग की है वो आने के बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बोल रहा हूँ ना कि इसका 50% या 1/4 हिस्सा जो भी इस प्राइस का है टैब का, उसके एक्सेसरीज मंगाने में उतना ही ज़्यादा मेरा खर्चा हो रहा है। बट लेट इट बी, जो होता है अच्छे के लिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।